हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त उसे भी सुधार देता है जिसे कोई दूसरा सुधार नहीं पाता। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। वक्त और समय की महत्ता के बारे में इसमें बताया गया है कि जिस इंसान को कोई नहीं सुधार सकता उसे वक्त सुधार देता है। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। हम सोचते हैं अक्सर कि अवसर हमारी ज़िंदगी में आएगा तभी हमें कामयाबी मिलेगी, जबकि ये सोचना मेरे प्यारे दोस्तों गलत है। आप अवसर का इंतज़ार मत करिए, उन अवसर को आपको क्रिएट करना होगा। उन परिस्थितियों का इंतज़ार ना करिए, उन परिस्थितियों को आपको पैदा करना होगा। उस टाइम का इंतज़ार मत करिए, वो समय आपको लाना होगा। आप सोचें अपने मन में कि काश वो समय कब आएगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, काश वो समय कब आएगा जब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊंगा या अपने गोल को अचीव कर लूंगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा वक्त कब आएगा। तो आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि वो अवसर वो आपको खुद लाना पड़ेगा, वो चल के आपके पास नहीं आएगा। आप चाहें तो कल आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो 6 महीने के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 ईयर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी हाथों में ताकत है, ये आप तय करेंगे कि मुझे सक्सेस कब होना है, वो अवसर कब लाना है अपनी जिंदगी में, वो परिस्थितियां वो कब मुझे लानी है अपनी लाइफ में, वो कोई और नहीं तय करेगा मेरे दोस्तों, आप खुद तय करेंगे इस बात को। बहुत अच्छी लाइन है, स्टार्स कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस। जीवन में डार्कनेस का बहुत जरूरी है आना। यदि अंधेरे नहीं होंगे तो हम उजालों का महत्व नहीं समझ पाते हैं। ये पंक्ति यही कह रही है, ये लाइन है कि तारे, स्टार कैन नॉट शाइन, तारे नहीं चमक सकते विदाउट डार्कनेस, अंधेरे के बिना तारे कभी नहीं चमक सकते। इसी प्रकार से यदि हमारी जिंदगी में कभी अंधेरे नहीं आ रहे हैं, कभी परेशानियां, कठिनाइयां, मुश्किलें नहीं आ रही हैं, तो हमें सफलता का असली मतलब हम अपनी जिंदगी में कभी जान नहीं पाएंगे। असफलताओं के बीच ही सफलता का महत्व होता है मेरे दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई असफलता न झेली हो और अचानक से उसे सफलता प्राप्त हो जाए तो क्या उसे खुशी होगी, और जिसने अपनी अपार असफलताएं झेली हो और इसके बाद उसको सक्सेस प्राप्त हुई हो, तो आप समझिए उसके जीवन में कितना खुशी का माहौल होगा, वो पल कितनी खुशी होगी उसे। विदाउट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एनीथिंग इज पॉसिबल, विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, विदाउट नहीं है यहां पर, विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, यानी कि कठोर परिश्रम और समर्पण के साथ एनीथिंग इज पॉसिबल, प्रत्येक चीज कुछ भी पॉसिबल, संभव है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये परिश्रम ही भाग्य का निर्माता होता है, भाग्य का पिता होता है। मेहनत ये भाग्य की माँ होती है, पिता होता है, पेरेंट्स होते हैं, और हम इस परिश्रम और मेहनत से हम दुनिया की कोई भी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। यू डू नॉट ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल। ये लाइनें ये बताती हैं कि यदि आपकी जिंदगी में आराम है, कंफर्ट जोन में हैं आप, तो आप कभी उग नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बीज को अगर हम बहुत अच्छे माहौल में रखेंगे तो वो कभी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। उस बीज को हमें जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, कई दिनों तक जब वो जमीन के अंदर बना रहता है नमी के कारण, फिर वो अंकुरित होता है, तब जा करके पौधा और फिर इसके बाद बहुत बड़ा वृक्ष
बनता है। तो अगर सोचिए कि उस बीज को हमने फूलों के बिस्तर में अगर रखा होता तो क्या वो अंकुरित हो पाता? नहीं, वो बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता था। यानी कि अगर जब तक हम तपेंगे नहीं, अपने जीवन को संघर्षों के तापमान में तपाएंगे नहीं, जब तक हम संघर्षों को नहीं झेलेंगे, मुश्किलों को, बाधाओं को, जब तक हम हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हमें सक्सेस की असली आनंद नहीं मिल सकता। मेरे दोस्तों, यदि हम विश्वास के साथ लड़ते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। मेरे दोस्तों, आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ लड़ना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अगर आत्मविश्वास होगा तो आपकी पावर डबल हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही गई है कि सफल इच्छाएं नहीं प्रयास होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, ये जॉब पालूं। तो क्या ये सोचने से और सपने, ड्रीम देखने से ये क्या आपको मिल जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल। आपको केवल सोचने से, सपने देखने से नहीं हो, प्रयास करने से आपको मिलेगा। प्रयास एक ऐसी मेडिसिन है कि आप इससे कोई भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। प्रयास एक ऐसा टॉनिक है जिससे आपकी शक्ति दुगनी होती है और आप दुनिया में हर मुश्किल काम को आसान बना देते हैं, हर चीज को आप पा सकते हैं। यू कैन गेट एनी थिंग, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश 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 करते रहिए, आपको सक्सेस अपने जीवन में निश्चित मिलेगी। जिस काम को करने से आपको डर लगता है, उसी काम को करने का नाम ही साहस होता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा गोल है, मैं इसको कैसे पाऊंगा, और जब आप इस काम को करने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि इसी का नाम साहस है। और साहस के दम पे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और जिस व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होगा, करेज नहीं होगा, वो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। मेरे दोस्तों, आंखें इंसान की कितनी छोटी होती हैं, लेकिन इन आंखों में आप जो सपना देख लेते हैं और उसको एक्शन रूप दे देते हैं, आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं, हर लक्ष्य को आप भेद सकते हैं। केवल इन आंखों में अपने सपने को बसा लीजिए, अपने ड्रीम को बसा लीजिए, निश्चित रूप से आप विजेता हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये हिमालय हमें संकेत दे रहा है कि चाहे आंधी हो या पानी हो, संकट हो, तूफान हो, आपको अडिग बने रहना है, अविचल बने रहना है, अपनी जगह से टस से मस नहीं होना है। जिस लक्ष्य को आपने अपने मन में एक बार बना लिया कि मुझे ये काम को कंप्लीट करना है, तो करना ही है। दुनिया की कोई भी बाधा आपका दिमाग मोड़ नहीं सकती, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बाधाएं आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए नहीं आ रही हैं, ये बाधाएं आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रही हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने साहसी व्यक्ति हैं। और सफलता तो साहसी व्यक्ति और मेहनती व्यक्ति पर कुर्बान हो जाती है। मेरे दोस्तों, सफलता ऑटोमेटिक आत्मसमर्पण कर देती है मेहनती लोगों के सामने। मेहनती लोगों के गले सफलता खुद मिलना चाहती है। तो इसलिए मेहनत, परिश्रम सदैव आप अपने मन में बनाए रखिए कि हमें जब तक जीना है
तब तक 100% हार्ड वर्क करना है और हमें हर क्षेत्र में जिस जगह हम कदम रखें उस जगह हमें चैंपियन घोषित होके आना है। मेरे प्यारे साथियों, सभी असफलताओं का योग ही सफलता कहलाती है, इस बात को सदैव याद रखिए। धूप में इतनी क्षमता नहीं कि वो समुद्र को सुखा दे। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है तो आप उससे घबराइए नहीं, क्योंकि उस परेशानी मुश्किल प्रॉब्लम को फेस करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी महासागर को या किसी नदी के पानी को सुखा दे। होती है क्या इतनी क्षमता? नो, कभी नहीं। इसलिए आप अपने आप में महासागर है और कोई भी धूप कोई भी परेशानी आपको आपके लक्ष्य से भ्रमित नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, इस बात को सदैव याद रखिएगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा। आपको जीत की भावना सदैव अपने मन में रखना है। डूबने का तो नाम ही नहीं लेना है, केवल तैरते रहना है इस समंदर में। ये लाइफ इज लाइक ए सी, ये जीवन एक समंदर की भांति है। यहाँ आपको बहुत अच्छा तैराक बन के अपनी जिंदगी को तैरना है और यहाँ डूबने का नाम मत लेना। डुबाने के लिए कई परिस्थितियाँ पैदा होंगी, ज्वार भाटा आएंगे, आंधी तूफान सुनामी सब कुछ आएगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे योद्धा बन के दिखाना है। अंत में जीत तुम्हारी होगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।